मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत आज कई सारे युवाओं को यहाँ पर प्रशिक्षण के लिए 3 महीने का प्रशिक्षण यहाँ पर दिया जाएगा, और साथ ही साथ अगर 3 महीने के बाद उन्हें रोज़गार नहीं मिलता है तो रोज़गार भत्ता और परिवहन भत्ता का यहाँ पर वितरण किया जाएगा। इसको लेकर के आपको हम फिलहाल जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो आर्यभट्ट की है, जहाँ पर प्रशिक्षण किस तरीके से दिया जाएगा, क्या कुछ यहाँ पर है, इसको लेकर के हम लोग बातचीत करेंगे और इससे हम लोग जानेंगे क्या क्या इस प्रोजेक्ट में क्या कुछ है, किस तरीके से यहाँ पर तमाम युवाओं को यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाएगा, तमाम चीज़ों पर हम लोग आज यहाँ पर बात करेंगे। क्या कुछ ये प्रोजेक्ट है, क्या कुछ इसमें होने वाला है? ये मुख्यमंत्री सारथी योजना के अंतर्गत आता है, ये दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र के अंतर्गत आता है। हम RSW में, जिसे सरकार ने हमें बोला है कि अगले 5 साल में भी 5 लाख लोगों को नौकरी देना है, तो बेसिकली हम 3 ट्रेड में ट्रेनिंग देते हैं। एक होता है SSMO सिलाई के लिए, दूसरा GDA ग्रुप जनरल ड्यूटी असिस्टेंट जो आप देख पा रही हैं, और तीसरा है फिटर मैकेनिकल असेंबली। सो इसमें बेसिकली 3 महीने का कोर्स होता है, 3 से 4 महीने का कोर्स, और जिसमें जितनी बड़ी कंपनीज हैं, आप धीरू भाई अंबानी कोकिला बहन रिलायंस का हॉस्पिटल ले लीजिए, पारस हॉस्पिटल पटना ले लीजिए, महावीर हॉस्पिटल ले लीजिए, अपोलो, इस तरह के बच्चों, या फिर आप मारुति ले लीजिए, हुंडई हो गया, या फिर अरविंद मिल्स, ऐसे जितनी बड़ी कंपनी है वहाँ पे सारे बच्चे हमारे 100% प्लेस होते हैं। तो बेसिकली ये बच्चे विलेजेस के होते हैं, 3 महीना से करते हैं, तो बेसिकली हमारी टीम होती है जो वहाँ जाती है और ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई करती है कि बच्चे कैसे हैं, बच्चे को जॉब मिला या नहीं मिला, उनके बाद जिस तरह से उनकी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से हम ट्रेड में कन्वर्ट करके उनको जॉब दिलवाते हैं। इसका प्रशिक्षण कहाँ दिया जाता है, इसका कोई केंद्र होगा, कहाँ दिया जाता है? हमारा केंद्र है बूटी मोड़ पे, RSWM कौशल केंद्र के नाम से है, ठीक बूटी मोड़ पे ही है, और एक हमारा दूसरा सेंटर है जमशेदपुर में, तो वहाँ हम ये दोनों कोर्सेज की, तीनों कोर्सेज की ट्रेनिंग देते हैं। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर नर्सिंग की, तमाम चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है, तो उसका प्रशिक्षण कैसे दिया जाता है, कहाँ इसका प्रशिक्षण आप लोग दे? मैम, इसका प्रशिक्षण बोटी मोर के पास हमारा सेंटर RSWM है, वहाँ पे हम ऑडियो विजुअल भी देते हैं और वाइट बोर्ड के माध्यम से भी देते हैं और रोल प्ले करके भी देते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे जो गाँव से आते हैं और प्रॉपर तरीके से एजुकेटेड नहीं होते, 10th पास से हम ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं। कम समय की ट्रेनिंग्स होती है, 5 to 6 मंथ में हमें ट्रेनिंग कंप्लीट करके बच्चों को प्लेसमेंट के लायक बनानी होती है, तो प्रॉपर तरीके से हम क्लासरूम में ही उनको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं और हमारे क्लासरूम के अकॉर्डिंग बाद में उनका एक्स्ट्रा जो है ना वो लैब की भी फैसिलिटी हमारे सेंटर्स में अवेलेबल है, और मोर देन 80% लैब में हम उनको प्रैक्टिकली सिखाते हैं ताकि वो बच्चे हॉस्पिटल्स में या होम केयर में जाकर प्रॉपर तरीके से सर्विस दे सके। यहाँ पर जो महिलाएं यहाँ पर जो पूरे प्रोग्राम यहाँ पर कर रही हैं, जो सारी चीज़ें यहाँ पर दिखा रही हैं, क्या इन लोगों को भी प्रशिक्षण दिया गया? यस मैम, ये जो अभी आपके सामने 2 कैंडिडेट यहाँ पर खड़े हुए हैं ना, ये हमारे ट्रेनी ही है और ये प्रशिक्षण अभी इनका स्टार्ट ही है, 20 डेज कम्प्लीट हो चुका है, और ये इस लायक इन्होंने सीख लिया है कि BP चेक कर सकती है, पल्स चेक कर सकती है, ग्लूकोज वगैरह शुगर वगैरह सब चेक कर सकती है, अभी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। प्राइमरी ट्रीटमेंट केयर, फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या मेडिकेशंस होते हैं और कैसे हमें प्रिवेंशन करना होता है, ये सारे चीज़ अभी उन्होंने सीख भी चुका और ये आपके सामने प्रैक्टिकल भी करके दिखा रहे हैं। यहाँ पर हम लोग के पास कुछ कैंडिडेट्स भी मौजूद हैं, हम लोग इनसे भी जानेंगे कि आखिर ये लोग किस तरीके से प्रशिक्षण लिए हैं, क्या कुछ इन्होंने सीखा है। आप लोग यहाँ पर सीख रहे, आप लोग यहाँ पर कैंडिडेट हैं, क्या कुछ सीखा है अभी तक आप लोग? हमने BP लेना सीखा है, टेम्परेचर लेना सीखा है और पल्स रेट, ऑक्सीमीटर, सब ये सब ट्रेनिंग होता है। आप कब से सीख रही हैं? हम 4 मंथ हो गया हमारा। 4 मंथ? यस। आप कब से सीख? 21 डेज हुआ है अभी। 21 डेज हुआ है। 21 डेज हुआ है। क्या क्या सीखा है अभी तक आपने? BP चेक करना, रेस्पिरेशन, पल्स रेट और टेम्परेचर। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है नर्सिंग के क्षेत्र में। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लोग लगातार जो टेस्ट करने के लिए लोग आ रहे हैं, अपना टेस्ट कराने के लिए आ रहे हैं, चाहे वो BP हो, शुगर हो, तमाम चीज़ें यहाँ पर इन लोगों को सिखाया जा रहा है, प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और कई यहाँ पर एक कैंडिडेट है जो 4 महीने से यहाँ पर प्रशिक्षण ले रही हैं, कुछ यहाँ पर कुछ ही दिन हुए हैं, ये लोग लगातार यहाँ पर प्रशिक्षण ले रही हैं। तो मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत यहाँ पर लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और उसके साथ ही नौकरी किस तरीके से मिले, किन किन क्षेत्रों में नौकरी मिल सकती है, इसको लेकर के भी हम लोगों के साथ बातचीत करने के लिए तमाम बातें इन्होंने रखी, कौन कौन सी कंपनियां इनके साथ जुड़ सकती है और कहां कहां तमाम लोगों को भेजा जा रहा है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, सहयोगी विशाल के साथ मैं पूजा, लाइव इंडिया, रांची।